हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पटैटो वेज सैंडविच। और ये बहुत ही टेस्टी होता है, झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं और इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लें या फिर हाथ से बहुत ही बारीक तोड़ लें। तो ये देखिए, दोनों आलू को कद्दूकस कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। सब्जियों को ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने खूब सारी सब्जियाँ ली हैं, जिस वजह से ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होने वाला है और सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो फिर स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसको ब्रेड पे स्टफिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने चार ब्रेड लिए हैं और सभी पे हम टमाटो केचप लगाएंगे। तो इसके लिए इसे अलग अलग रख लेते हैं और इसके बाद टमाटो केचप इस पे डालेंगे और स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से ब्रेड पे फैला लेंगे। आप यहाँ पे टमाटो केचप की जगह कोई सा भी चटनी अपने पसंद का ले सकते हैं। और इसके बाद टमाटो केचप फैला लेने के बाद इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे और इसे भी स्पून की मदद से ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। तो अच्छी तरह से खूब सारा स्टफिंग डालेंगे और इसके बाद दूसरे ब्रेड से इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पे तवा गरम हो चुका हुआ है, तवे पे बटर डाल के इसको हम फैला लेंगे और गैस का फ्लेम इस समय लो रखेंगे क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाते हैं। और फिर जब बटर पिघल जाए तो इसके ऊपर तैयार किया हुआ सैंडविच डालेंगे और फिर इसे हम सेकेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम ये सैंडविच सेक के तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ब्रेड को इस तरह से घुमा लेंगे ताकि अच्छे से एक्स्ट्रा बटर जो तवा पे है वो भी ब्रेड पे लग जाए। और इस तरह से घुमा घुमा के हमने सारे पे बटर को अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो पलट के दूसरी तरफ हमें सेकना है, तो इसके लिए पहले इसे तवा पे से निकाल लेते हैं सैंडविच को और फिर वापस से तवा पे बटर लगा लेंगे और बटर को इस तरह से फैला लेंगे। गैस का फ्लेम फिर से लो कर लेंगे और बटर को पिघल जाने तक इसको फैलाएंगे और फिर पलट के सैंडविच इस पे रख देंगे तवा पे। वापस से गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम सैंडविच को दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। थोड़ी देर बाद वापस से सैंडविच को इस तरह से घुमा घुमा के जो भी एक्स्ट्रा बटर है वो सब ब्रेड पे लगा लेंगे। और इसके बाद अब ये सैंडविच बनके तैयार हो गया है। तो इसे वापस से दूसरी तरफ पलट लेते हैं और ये देखिए कितना अच्छा दोनों तरफ से सिक के तैयार हो गया है ये सैंडविच। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सैंडविच को तवा पे से निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही क्रंची होते हैं, अंदर में खूब सारी सब्जियां भरी हुई हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। चाकू की मदद से इसे हम बीचों बीच ट्रायंगल में ऐसे कट करेंगे और बस ये लीजिए, सैंडविच बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा ब्रेड भी कट कर लेंगे। आप चाहे तो सीधा सीधा भी कट कर सकते हैं, ट्रायंगल में अच्छा लुक आता है सैंडविच का।
तो ये देखिए दूसरा सैंडविच भी कट कर लिया है, बहुत ही टेस्टी है। बच्चों का तो ये फेवरेट होता है, सुबह के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है।